हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला पर, और ये हम लोग मिरर के केस में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन का अर्थ होता है किसी वस्तु को मैग्नीफाई करके देखना, यानी उसके वास्तविक रूप से बड़े आकार में देखना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम दे दिया हमने ए बी, और मान लेते हैं कि इसका हाइट एच है। तो जब हम इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखेंगे तो ये अपने आकार से बड़े रूप में नज़र आएगा। और मान लेते हैं कि ये एच डैश हो गया इसका हाइट, और इसका नाम दे दिया हमने सी डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो अपने वास्तविक आकार से बड़े रूप में नज़र आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और एम स्केल टू माइनस वी बाई यू होता है, जहाँ भी जो है ये इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, और मैग्नीफिकेशन को हम लोग एच डैश बाई एच के फॉर्म में भी लिखते हैं, जहाँ एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊँचाई, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊँचाई। फाइनली लिख सकते हैं एम स्केल टू माइनस वी बाई यू स्केल टू एच डैश बाई एच